फिर इसकी क्वालिटीज वगैरह देख सकते हो। इतनी प्यारी सीटिंग है, मस्कुलर अमेरिकन बुली है दोस्तों, और भी डॉग्स रखे हुए हैं डॉट। दोस्तों आप सभी का स्वागत है और एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूँ रॉटवाइलर का कैनल। मेरे पीछे आप देख सकते हो एक खूबसूरत सी प्रॉपर्टी है, फार्म हाउस है। इसके अंदर दोस्तों बहुत से रॉटवाइलर के पपीज हो चुके हैं, एक लीटर हो चुका है, जो आपको इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ। और आज मैं आ चुका हूँ दोस्तों राहुल भाई के कैनल पे, से आपको आगे मिलाता हूँ, आ जाओ। अरे नमस्ते सर, कैसे हो? नमस्ते नमस्ते, आप कैसे हो? मैं बस बस बढ़िया। मैंने सुना है रॉटवाइलर का लीटर हो चुका है आपके पास। सच में हुआ। कितने पपीज है सर? 9 पपीज है। 9 पपीज दोस्तों, 9 खूबसूरत से पपीज आपको आप आगे दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आज मैं आ चुका हूँ अनायास कैनल में, और मेरे साथ है राहुल सर, जो कि यहाँ के ओनर है। सर स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आप मुझे बताएं, हमने जो लास्ट में वीडियो बनाई थी उसका रिस्पांस वगैरह कैसा था? बहुत अच्छा रिस्पांस था उसका, बहुत अच्छा रिस्पांस था। काफी लोगों ने मुझे कॉल किया था तभी वो वीडियो देख के। क्या बात है। और लास्ट हमने आई थिंक अमेरिकन बुलीज के पपी कवर किए। जी जी जी, अमेरिकन बुली कवर किए थे हमने। इस टाइम हम आपको रॉटवीलर के पपी दिखाएंगे। तो कहाँ पर है सर? है अभी घर में रखे हैं, मैं अभी लाता हूँ। यस चलिए। तो दोस्तों ये है वो खूबसूरत से प्यारे प्यारे से रॉटवीलर के पपीज, आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे पपीज है, और सभी गोलू मोलू है। 9 पपीज है दोस्तों अभी फिलहाल, यहाँ पर सिर्फ 5 पपी रखे, बाकी के अंदर है, और इनकी मदर भी आ चुके हैं, उसको भी आप बाद में दिखाएंगे। तो गाइज आप पपीज़ की क्वालिटीज़ वगैरह देख सकते हो, कितने हेवी बोन के पपीज़ हो चुके हैं, चेक करो, काफ़ी गोलू मोलू से पपीज़ है। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि ये कितने दिन के पपीज़ है अभी? ये है अभी 40 डेज के पपी। 40 डेज के पपीज़? 38 डेज हो गए। और इनकी डाइट के बारे में थोड़ा सा बताइए ना। ये तो हम इनको स्टार्टर देते हैं रॉयल कैनिन का, वही चालू है, बस दही है, थोड़ा कभी सारा लग देते हैं ऐसा। और ये मदर मिल्क छोड़ चुके हैं क्या? मदर मिल्क छोड़ चुके हैं हम लोग, 30 डेज तक मदर मिल्क देते हैं, उसके बाद में नहीं देते। ये सभी केसीआर रजिस्टर्ड? हाँ केसीआर रजिस्टर्ड है, इनका पेपर होंगे। इनके बॉडी में माइक्रोचिप होगा, तभी आप लोगे जिस कैनल से लोगे, जिस ब्रीडर के पास से लोगे, उसके घर पे जाओ आप, उसको देखो, बच्चों को, मदर को देखो, आप मदर को देखो, उसका साइज देखो, उसका फादर देखो, बच्चों को देखना है तो उनका बोन साइज देखो। और सर इन छोटे पपीज का वैक्सीनेशन के बारे में थोड़ा बताइए ना। इनका वैक्सीनेशन का शेड्यूल होता है, 45 डेज के बाद उनको वैक्सीन लगाया जाता है, फर्स्ट वैक्सीन, फिर उसके बाद में 21 दिन के बाद, फिर 21 दिन के बाद, ऐसा 3 वैक्सीन लगता है उनको। और ये कितने दिन के बाद सेल के लिए अवेलेबल? हम लोग 45 डेज के बाद देते हैं पपी को। सर मुझे जानना था कि ये जो रॉटवाइलर जो ब्रीड है वो फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए सही है या नहीं? जी बिल्कुल सही है, उसमें कोई इशू नहीं है। हम लोग कैसे संभालते हैं बच्चों को, कैसे उनको तैयार करते हैं, कैसे डेवलप करते हैं, उनको कितना टाइम देते हैं हम, उसके ऊपर उनका टेम्परामेंट ऊपर नीचे हो जाता है, ऐसा है। तो फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए सही है ब्रीड। और मार्केट में तो लोगों ने अमेरिकन बुली बोलो या फिर इन रॉटवाइलर्स को बहुत ज़्यादा बदनाम करके रखा है कि वो ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं या फिर, तो आपका एक एक्सपीरियंस कैसा था? नहीं सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग डॉग को टाइम नहीं देते या फिर उनका केयर नहीं करते, उनको खाना नहीं खिलाते अच्छे से, उनके डॉग ज़्यादातर एग्रेसिव हो जाते हैं। और अगर हम अच्छे से उनका ख्याल रखेंगे, उनको टाइम देंगे, तो बिल्कुल एग्रेसिव नहीं होते डॉग। और सर मुझे पूछना था कि अभी यहाँ पर ये छोटे पपीज़ है, मेल लेना चाहिए या फीमेल लेना चाहिए, क्या आप इसके बारे में? मैं तो सजेस्ट करूँगा फीमेल के लिए, क्योंकि फीमेल का टेम्परामेंट थोड़ा शांत रहता है मेल से, और दूसरी बात तो फीमेल का अटैचमेंट जो रहता है बॉन्डिंग घर वालों के साथ में, वो अच्छा रहता है फीमेल का, तो फीमेल बेस्ट है। अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ इन पपीज़ की मदर, यहाँ पर है। सर सबसे पहले तो आप मुझे बताइए इसका नाम क्या है? इसका नाम है रॉक्सी। रॉक्सी नाम है। और ये कितने साल की है? 1.5 साल के ऊपर हो गई है। और 1.5 साल के ऊपर हो चुकी है, और ये उसका फर्स्ट ही लीटर है? फर्स्ट लीटर है इसका। और काफ़ी हेवी क्वालिटी के बच्चे निकले हैं इस बार? ये इंपोर्ट है, इंपोर्ट लाइन की है, इसके फादर डायरेक्ट इंपोर्ट है। क्या बात है। मदर भी है और इन बच्चों का जो फादर है वो भी इंपोर्ट है। क्या बात है। तो दोस्तों आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत सी फीमेल है, रॉक्सी नाम है इसका, और मैं भी फर्स्ट टाइम इसको मिल रहा हूँ। जो लोग बोलते हैं कि रॉटवाइलर ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, मुझे तो नहीं लगता, देखो कितनी प्यारी सी फीमेल है। सर इसके डाइट का थोड़ा बताइए ना। इसको तो हम लोग रॉयल कैनिन का स्टार्टर देते हैं, मदर एंड बेबी डॉग फूड। ओके। और दिन में दही देते हैं, रात को चिकन देते हैं, एग्स देते हैं। ओके। ऐसा सब दिया जाता है इसको।
सर मुझे एक बताइए कि ये रॉटवेलर जो होते हैं उनका लीटर साइज मैक्सिमम कितना रहता है, मतलब रॉटवेलर का ऐसा हम लोग अंदाज नहीं लगा सकते। कोई कोई फीमेल देती है 5-6 बच्चे भी देती है, और कोई कोई 10-12-14 ऐसे। इसकी सगी बहन है औरंगाबाद में, उसको भी लीटर हुआ है, उसके पास 14 बच्चे हुए। क्या बात, इसकी सगी बहन है, 14 बच्चे हुए, जबरदस्त। हाँ तो ऐसा है, तो काफ़ी खूबसूरत फीमेल है। आप उसका कोट कंडीशनिंग वगैरह भी देख सकते हो, काफ़ी वेल मेंटेन रखा है सर ने इसको। गाइस आप देख सकते हो कि सर ने यहाँ पर है ना और भी डॉग्स रखे हुए हैं, रॉटवाइलर है, यहाँ पर अमेरिकन बुली है और वहाँ पर फीमेल है अमेरिकन बुली की, तो ये भी आपको दिखाने वाले हैं। पहले तो आप देख लो, काफ़ी खूबसूरत सा है डॉग हाउस इन्होंने बनाया है, वहाँ पर इन्होंने डॉग प्रॉपर यहाँ पर रखे हुए हैं। ये केज की साइज कितनी होगी थोड़ा बताइए ना। 12x6 है, 6x6 एक को डिवाइड करके दिया है हमने। काफी हेवी साइज में यहाँ पर अमेरिकन बुली का एक मेल डॉग है यहाँ पर। सर इसका नाम क्या है? इसका नाम मैक्स है। अभी इतना ह्यूज डॉग तो दोस्तों मैं सब पहली बार पुणे में देख रहा हूँ। सर ये कौन सी लाइन से बिलोंग करता है कुछ बताइए। ये मैगी लाइन का है। ओके मैगी लाइन का है, ये हमारे दोस्त थे पंजाब में, उनके पास से मैंने लाया था। और ये कितने साल का है अभी? ये अभी तब 2 साल का हो गया। 2 साल का हो चुका है। 2 साल, 2 या फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, 2 साल अंदाज से। और ये कौन सी साइज में? स्टैंडर्ड साइज। ये पॉकेट साइज है, लोअर पॉकेट बोलते हैं इसको। लोअर पॉकेट बोलते हैं। इसका इसके बच्चे भी है हमारे पास, अगर किसी को चाहिए होंगे तो। ओके क्या बात है, ये भी बच्चे है हमारे पास। और ये स्टड सर्विस के लिए भी अवेलेबल? स्टड सर्विस के लिए भी अवेलेबल है ये। तो काफी हेवी बोन स्ट्रक्चर में दोस्तों ये डॉग है, मैक्स नाम है इसका। और आप हेड साइज वगैरह भी देख सकते हो, मैं फर्स्ट टाइम इतना मस्कुलर अमेरिकन बुली दोस्तों देख रहा हूँ पुणे में, पहली बार ही देखा है ऐसा मस्त डॉग। और सर ये इसका कलर कौन सा है कुछ थोड़ा बताइए ना। इसको एलिफेंट कलर बोलते हैं। ओके ब्लू कलर भी बोलते हैं कोई कोई। काफी जबरदस्त डॉग है। और इसकी डाइट के बारे में थोड़ा बताइए। इसका सेम डाइट है, इसको पेडिग्री देते हैं हम लोग इसको सुबह, और दिन में दही छाछ ऐसा सब देते हैं, और रात को चिकन राइस। ओके और लोग जो बोलते हैं दोस्तों कि अमेरिकन बुली भी ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, तो मुझे तो नहीं लग रहा है। देखो मैं तो फर्स्ट टाइम इसको भी मिल रहा हूँ। काफ़ी खूबसूरत डॉग है, मुझे तो बहुत ही बहुत ज़्यादा पसंद आ गया ये।